और दरूद पाक अगर एक मरतबा पढ़ो तो 10 दर्जे बुलंद, 10 गुनाह माफ और 10 नेकी तुम्हारे नाम या अमाल में लिखी जाती है। और जब तुम एक मरतबा पढ़ते हो ना, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी आप समझ लें लफ्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सल्ला सल्लम और सल सल्लम इसका कोई वजूद नहीं है, ये भी शैतानी धोखा है। और बड़े बड़े डूब रहे हैं इसमें, हमेशा बड़े बड़े जब डूबते हैं तो छोटे वाले अपने आप डूब जाते हैं। सल्ला सल्लम सल सल्लम मैं देख रहा हूं बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और ये सब शैतानी धोखा, शैतानी वसवसा। तू सल सल्लम कह दे, सल्ला सल्लम कह दे, तेरा दरूद पाक पूरा हो गया, ये दरूद पाक का वजूद ही खत्म हो गया इससे, ये है ही नहीं दरूद पाक, ना ये हिंदी ना उर्दू ना अरबी, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ शैतानी धोखा। तू सल सल्लम कह दे, सल्ला सल्लम कह दे, तेरा दरूद पाक पूरा होगा। और बड़े बड़े मैं अनपढ़ लोगों को देख रहा हूं जब वो बयान करते हैं तो वो भी सल सल्लम कहते हैं। हाँ, मस्जिदों में जैसे गश्त होते हैं, जमाते आते हैं, वो भी सल सल्लम पढ़ते हैं। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग काबिल तकलीद, वो भी सल सल्लम सल्ला सल्लम पढ़ते हैं। इसका कोई वजूद नहीं है मेरे भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो एक फरिश्ता लगा हुआ है, फौरन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है अल्लाह के नबी फलां का बेटा फलां उसने आपकी खिदमत में दरूद पाक पेश किया, कबूल फरमा लीजिए। अब अगर आप 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे तो कितनी मरतबा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाम जाएगा और आपके बाप के साथ में नाम जाएगा।